जेके न्यूज़ टुडे। जम्मू स्मार्ट सिटी की काया पलटने के ख्वाब जहां जम्मू निवासियों को दिखाए गए हैं, वहीं मेट्रो सिटी की बात की जाती है। जम्मू की अपनी मेट्रो का प्रपोजल भी कई दिन पहले दिया गया है। वहीं हम बात करें किसी भी सिटी की जो बेसिक नीड होती है वो होती है जनरल बस स्टैंड, जहां से लोग इंटर स्टेट के लिए और इंट्रा स्टेट के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। तो इस समय हम जनरल बस स्टैंड जम्मू में खड़े हैं। यहां पे सफाई उस तरीके से नहीं है, क्लीनिनेस का ध्यान उस तरह से नहीं दिया जाता। जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और अपनी टिकट्स यहीं से करवाते हैं, उनको काफ़ी वेट भी करना पड़ता है, लेकिन क्लीनिनेस का ध्यान उस तरह से नहीं है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंडर ये आता है, मेंटेनेंस उस तरीके से नहीं की गई है, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर कई डेवलपमेंट भी हुई हैं, जैसे कि वर्टिकल गार्डन, सेल्फी पॉइंट और नई पार्किंग जो बनाई गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक क्योस नहीं होता है। जो बाहर पहले गाड़ियाँ लगती थी वो अब पार्किंग में लगाई जाती हैं। और इस नई पार्किंग का अंडरग्राउंड जो है, यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की बसें भी पार्क की जाती हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं इस पे। आपका नाम? मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं जनरल मैनेजर हूँ यहाँ जम्मू बनाल ग्रुप का। आपको जम्मू स्मार्ट सिटी का ये नया बस स्टैंड कैसा लगा? ये जो नया बस स्टैंड है, ये मेरे ख्याल में पुराने बस स्टैंड से बेहतर नहीं है। इससे अच्छा जो था हमारा पुराना बस स्टैंड था। जब से जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ शिफ्ट हुई हैं, गाड़ी वाले, दुकानदार, हर एक आदमी परेशान है, क्योंकि इन्होंने ना तो पूरा बस स्टैंड बनाया है, ना ये पूरी पार्किंग बनी है, और ना ही ये कोई दुकानदारों के लिए अच्छी जगह बनी है। इससे जो नीचे था तो उससे में गाड़ी वाले भी खुश थे, दुकानदार भी खुश थे। अब जब से ये बस स्टैंड बना हुआ है, जहाँ लोगों को बैठने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है, आप अंदर जाके चेक कर लें तो बाथरूम मेरे ख्याल में एक भी ठीक नहीं रहा है इनका। तो प्लेटफार्म वगैरह का सिस्टम है, लोगों को गाड़ी ढूंढने में भी बड़ी परेशानी होती है जहाँ पे, और गाड़ी वालों को गाड़ी लगाने के लिए भी जहाँ पे बहुत कम जगह मिली हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 70-80 गाड़ियाँ लगाने के लिए अंदर पार्किंग बनाई हुई है, जबकि गाड़ियाँ जहाँ से लगभग पूरे जम्मू शहर के लिए और पूरे इंडिया के लिए चलती हैं जहाँ से, यही इस बस स्टैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब से ये बस स्टैंड बना है तो आपको कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? नहीं, बदलाव तो ऐसा कोई खास देखने को नहीं मिला। ये है कि चलो गाड़ियों, छोटी गाड़ियों के लिए पार्किंग के लिए जगह बन गई है जहाँ पे। चलो जो लोग आगे पीछे बस स्टैंड में गाड़ियाँ लगाते थे, उनके लिए काफ़ी गाड़ियाँ 1300-1400 छोटी गाड़ी लगाने की जगह है जहाँ पे, बस यही बदलाव आया है। और बाकी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की, अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में जो कोई बड़े अच्छे तरीके से, अगर इससे अच्छा जो स्टेक होल्डर थे जहाँ पे, उनसे भी थोड़ी सलाह कर लेते भाई उनको भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर बन सकता था। बस स्टैंड तो बन गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी वैसी वाली कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई अलाउड नहीं है। किसी कस्टमर को ना पानी मिल रहा है, ना बाथरूम में जगह मिल रही है। बाथरूम बनाए थे, शौचालय बनाए थे, वो भी सब टूट गए हैं, सब खराब हो गए हैं। बुरी हालत है कि जो भी कस्टमर आ रहा है वो बोल रहा है कि ये स्मार्ट सिटी है, ये क्या है जे। तो ये जो नई पार्किंग बनी है, इससे तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ होगा, ट्रैफिक की और सब ज़्यादा नहीं रहता। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसको फ़ायदा लोगों को हो गया है। लोग आते हैं, पार्किंग देते हैं, गाड़ी लगाते हैं, निकालते हैं, निकलते हैं, लेकिन जो मेन बस स्टैंड है उसको बैठने की, जो कस्टमर आ रहा है उसको क्या सुविधा मिली है? बोले जम्मू स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी बस स्टैंड का क्या फ़ायदा उसको? जो कस्टमर बाहर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है, अमरीका से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसको ये स्मार्ट सिटी दिखाएंगे, उसको क्या लगेगा ये स्मार्ट सिटी है क्या? तो यहाँ जनरल बस स्टैंड में मेन क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करने को मिल रही है? मैडम जी, हर चीज़ की प्रॉब्लम, एक नहीं हर चीज़ की प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई कस्टमर आया, लेडीज़ आई, किसने बाथरूम जाना है, बाथरूम में जाओगे, शौचालय में जाओगे, उसमें जगह नहीं है, टूटे पड़े हुए हैं, ये है, फ्रिज लगे हैं, फ्रिज खराब पड़े हुए हैं, पानी, अगर गर्मी का मौसम है पानी पीने का नहीं है, तो फिर सुविधा क्या होगी इससे? स्मार्ट सिटी फिर कैसे बनेगी? आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। आप कहाँ से? मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप यहाँ जनरल बस स्टैंड जम्मू में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस फ़िलहाल ठीक ही है। हम तो हिमाचल में सिक्योरिटी का काम करते हैं, 3-4 महीने पहले भी हम आए थे घर के लिए, तो यहाँ का कोई किराया के मेरे को ये नहीं लग रहा है कि सही हो रहा किराया। 250 पहले किराया देते थे हम यहाँ से डोडा के लिए, और आज 280 और 300, 350 भी ले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ टिकट लेने के लिए,
और अभी क्या 5-6 बज रहे हैं, अब तक कोई सीट नहीं मिली मेरे को। मतलब अंदर टिकट काटने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ से ये जो टिकट काटने वाले वहाँ से बाहर निकल के यहाँ बैठ जाते हैं, और यहाँ रश पड़ गया तो यहाँ से उठ के बंदरबाग जाते हैं। ये यहाँ की जम्मू की मतलब सोसाइटी है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ हो गया तो यहाँ के एजेंट यहाँ उठ के अंदर टिकट काटते हैं, और अंदर ज़्यादा हो गया भीड़ भड़ाका तो बाहर आ जाते हैं। सुबह मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये टिकट अभी तक नहीं मिली है। तो ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहें JK News Today। वीडियो जर्नलिस्ट काका राम के साथ मैं हूं मायरा राणा।